तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूं, यही तो बोलूंगा, धमकी देंगे सरेआम मतदाताओं को, धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना कि देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो 20 दिन और इंतजार कर लो, 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। अब तक दो चरणों में 113 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद की तंज गलियों की कुछ खास रिपोर्ट। आवाजी सरकार पक्की ठोका। अच्छा, जो समाज की दिशा बदलता है वो एक युवा होता है। आप जब युवाओं को रोजगार ही नहीं दे रहे, आप राशन बांट रहे, क्यों बांट रहे आप राशन? 2022 में चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा, चुनावी मुद्दे, चुनावी सियासत। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में 20 जनवरी को मतदान होने हैं। चूड़ियों के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद का ये शहर। फिरोजाबाद की जनता पर बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का भी कहर। फिरोजाबाद में कुछ माताओं ने बताया कि सरकार तो भाजपा की सही चल रही है लेकिन रोजगार नहीं है। फिरोजाबाद की जनता ने हमारे अनुभवी पत्रकार हरिओम शास्त्री से कई सवाल रखे लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि योगी की सरकार में लड़कियां सेफ हैं, गुंडागर्दी नहीं है। एसटीवी न्यूज के लिए संवाददाता हरिओम शास्त्री की फिरोजाबाद से ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में। देखो ये चूड़ी वाले भैया रेडी लगा रहे हैं, तो पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये अपना सीएम किन को देखना चाहते हैं। ये शहर कौन सा है इसमें चूड़ियाँ बनती हैं? देखिए चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद, अपना मुख्यमंत्री किन को देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव अभी तो फिरोजाबाद शहर है और यहाँ पर ये बता रहे हैं भैया अखिलेश को पसंद करते हैं। आप अंकल जी किन को पसंद करते हैं? ये योगी जी को पसंद करते हैं। देखो अखिलेश ठीक होंगे, मतलब योगी हमें चाहिए देश सुरक्षित जी। देखो इंडिया ने ना अभी तो कोई नेता कोई बात नहीं, देश होगा सुरक्षित। अरे खास है यहाँ से गुंडागर्दी बिल्कुल हट गई है, अब निडर हो गए, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दूर नहीं। अच्छा तो उत्तर प्रदेश में आप कमल ही खिलाओगे? बिल्कुल। अच्छा योगी जी का राज तिलक करोगे? बिल्कुल। अच्छा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको पसंद कर रहे हो आप? योगी जी। आपको कैसे पता खड़े हैं योगी जी? अच्छा ये सुना है जो अखिलेश की सरकार थी पहले ऐसा नहीं था? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अखिलेश की सरकार में, गुंडागर्दी जी हाँ। इसीलिए आप अखिलेश को पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। योगी जी को? यस। सरकार मनाया उद्घाटन। अच्छा तो आप योगी जी का मतदान? बिल्कुल पक्की सहभागी सरकार, पक्की ठोका। अच्छा 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 उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री किन को देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी के अंदर ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको? योगी के अंदर हमें उनकी छवि बहुत अच्छी लग रही है। कैसे? देखिए योगी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, महंगाई अभी देख रहे जान है तो जान है अगर लॉकडाउन नहीं लगाती जो सब मर जाती लेबर और जो सब जनता मर जाती तो क्या होता? लॉकडाउन लगाया तो राशन तो दिया, दूसरे प्रदेश में जो लोग थे भारत के मतलब उत्तर प्रदेश की लेबर उनको अपने उत्तर प्रदेश में लाए, अच्छे से लाए। अच्छा तुम्हारे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ तो बहुत बनती हैं, कितने कारखाने यहाँ पे? अच्छा 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 चूड़ी यहाँ पे बिकती है, मिलती भी है? बिल्कुल। चूड़ियों के नाम से मशहूर है फिरोजाबाद। अच्छा आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप किनको देखना पसंद कर रहे हैं, किनको बना रहे हैं, मतदान भी तो करोगे? बिल्कुल करेंगे, खुद करने दीजिए। अच्छा देख उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किनको पसंद किया आपने? योगी जी को पसंद करेंगे क्योंकि उनके राज्य में लड़कियां सेफ रहती हैं और किसी के राज्य में लड़कियां सेफ नहीं रहती हैं, तो बिल्कुल योगी जी को चाहेंगे कि योगी जी आए।
योगी जी को अखिलेश को नहीं, योगी जी ने देखो लॉकडाउन लगा दिया था, महंगाई बना दी थी, योगी जी को आपका नाम क्या है? अच्छा आप बोलते हैं पसंद करो योगी जी को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाकी चीज़ें सब ठीक है, देश कंट्रोल में, लॉकडाउन के बाद भी यूपी हमारा कंट्रोल में था, ठीक है सारी चीज़ें। अच्छा ये कौन सी विधानसभा है आपकी? फिरोजाबाद विधानसभा है, सतानवे मनीष सिया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से प्रत्याशी का नाम क्या है? मतलब कमल जो, हाँ मनीष सिया। आपका अंकल जी नाम क्या है मैडम? पूछो विपिन भारद्वाज। अच्छा अच्छा, आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में कमल खिलाओगे साइकिल पे चलोगे? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा कांग्रेस को? हाँ। अच्छा कांग्रेस के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं? सारी जो है, जो आप देश को 60 साल से चला रही थी कांग्रेस जी, उनके लाए हुए सामान को ये लोग बेच रहे हैं जी, तो जी। कहते हैं कि कुछ नहीं किया कांग्रेस ने जी, ये जो बेच रहे हैं वो कहाँ से आया इनके जी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसटीवी न्यूज को, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।